हेलो एवरीवन, दिस इज अमृता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कान्हा जी के लिए ये सुंदर सा झूला बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस पर कान्हा जी बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, तो चलिए बनाते हैं इसे। इसके लिए हमें ग्लू गन, फेविकोल या फैब्रिक ग्लू, इस तरह की कोई भी 3 स्टिक, इसके ऊपर हम इस तरह से कार्डबोर्ड और कपड़ा लपेटेंगे। रेड फैब्रिक, येलो फैब्रिक और आसन की गद्दी के लिए वेलवेट फैब्रिक लिया है मैंने, और इस तरह की लेस लेंगे। झूले के लिए डोरी, इस तरह का डिब्बा और कार्डबोर्ड चाहिए होगा। ये कार्डबोर्ड हम स्टिक के चारों ओर राउंड में फोल्डिंग में लगाएंगे, और इसके ऊपर की लेयर को उतार दिया है मैंने ताकि ये अच्छे से राउंड हो सके। तो सबसे पहले डिब्बे की सहायता से नीचे का बेस बनाएंगे। मेरे पास हार्ड डिब्बा नहीं था, सो मैं इसमें न्यूज़पेपर डाल रही हूँ। अब इसको टेप लगाकर कवर कर देंगे और इसके चारों ओर फेविकोल से रेड फैब्रिक को चिपका देंगे। कपड़े के नीचे, बीच में, सब जगह फेविकोल लगा के चिपकाएंगे ताकि कपड़ा हिले नहीं, क्योंकि बाद में हम कपड़े पे पिलर चिपकाएंगे। अगर कपड़ा हिला तो पिलर भी हिलेंगे, इसलिए अच्छे से चिपका लेंगे। और फिर ग्लूगन से साइड के किनारे भी अच्छे से चिपका लेंगे। इसको सूखने के लिए रख देते हैं। पिलर बनाने के लिए स्टिक को फेविकोल की सहायता से कार्डबोर्ड लगाकर कवर कर देंगे। अब इस पे रेड फैब्रिक चिपका देंगे। रेड कलर में दोनों साइड के पिलर्स बन गए हैं, और इसी तरीके से ऊपर झूले को लटकाने के लिए एक स्टिक और बना लेंगे। पिलर की लेंथ मैंने 11 इंच और ऊपर की स्टिक 14 इंच में ली है। झूले का आसन बनाने के लिए इस तरह के कार्डबोर्ड के 7 पीस कट किए हैं मैंने। इनको एक दूसरे पे चिपका लेंगे। इसकी लेंथ 5.5 इंच और विड्थ 4 इंच लिया है मैंने। अब पिलर्स को रखने के लिए कार्डबोर्ड से बेस बनाएंगे। ये 2 साइज लिए मैंने, दोनों साइज में 5-5 पीस कट कर लेंगे। पिलर की साइज में राउंड में मार्क करेंगे और कट कर लेंगे। अब इनको भी एक दूसरे पे चिपकाकर इनको ठीक कर लेंगे। अब इन पे भी रेड फैब्रिक चिपका लेंगे, और फैब्रिक के बीच में भी एक सर्कल कट कर लेंगे। इनको एक दूसरे के ऊपर चिपका देंगे। अब पिलर के चारों ओर लेस लगा देंगे। इसी तरीके से दोनों पिलर्स पर लेस लगा लेंगे। अब दोनों पिलर को ग्लू लगाकर बेस में लगा लेंगे। अब कार्डबोर्ड को राउंड शेप में मार्क करके 4 सर्कल कट कर लेंगे। इनको हमें पिलर के एंड में चिपकाना है। मैं फैब्रिक को राउंड में कट कर रही हूँ ताकि इनको कवर कर सके। इनके चारों ओर लेस लगा देंगे। अब इनको पिलर के ऊपर चिपका देंगे। ये जो दूसरी स्टिक है इसके ऊपर भी लेस लगा देंगे। इसके भी साइड में ये सर्कल चिपका देंगे। अब पिलर को फेविकोल या ग्लूगन से
मेन बेस में चिपका देंगे। ऊपर भी स्टिक को चिपका देंगे। अब आप इसको जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। स्टोन लगा सकते हैं, कुंदन लगा सकते हैं, मोती लगा सकते हैं या फ्लावर लगा सकते हैं। ये सारा डेकोरेशन का सामान क्राफ्ट शॉप पे आसानी से मिल जाता है। मैं इसमें फ्लावर्स लगाऊंगी। फ्लावर आपको मार्केट में मिल जाएंगे और आप घर पर भी इनको बना सकती है। फ्लावर बनाने के लिए हमें रिबन चाहिए होगा। इसको इस तरह से फोल्ड करके दूसरी साइड को इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। अब एंड में दोनों पार्ट को पकड़ के बाकी हिस्से को छोड़ देंगे और लंबे वाले हिस्से को पकड़ के खींचेंगे। तो ये फ्लावर का शेप आ गया। अब इसको थोड़ा घुमा के कट कर देंगे और इसको यहाँ से चिपका देंगे। बीच में एक मोती भी लगा लेंगे। इस तरह से फ्लावर बन जाएगा। मैंने पिलर के बेस पे कुंदन चिपकाए हैं। अब सामने की साइड में ये येलो फ्लावर चिपका लेंगे। पिलर के बेस के चारों ओर भी इस तरह से एक लेस लगा सकते हैं। डेकोरेशन आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। जो भी सामान आपके पास हो उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ स्टोन भी लगा सकते हैं। मेन जो इसका बेस है इसके चारों ओर भी लेस लगा लेंगे। अब झूले का आसन बनाएंगे। इसके लिए ये जो कार्डबोर्ड को चिपकाकर गद्दी बनाई थी हमने, उसको वेलवेट के फैब्रिक से कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब कार्डबोर्ड से इस तरह का शेप कट कर लेंगे। इसे हम फैब्रिक से कवर करके गद्दी के पीछे लगाएंगे। इस पे भी कुंदन चिपकाकर फ्लावर डिजाइन बना लेंगे। अब डोरी को ऊपर की स्टिक में डालकर आसन के किनारों पे स्टिच कर देंगे। यहाँ आसन पर भी फ्लावर चिपका देंगे। तो ये झूला बन गया है। झूले के फ्रंट में कान्हा जी को झुलाने के लिए मैं एक लेस की डोरी लगा रही हूँ। इस पे भी फ्लावर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप लड्डू गोपाल जी के लिए अपने हाथों से झूला घर पर ही बना सकती है। उम्मीद करती हूँ आप अपनी क्रिएटिविटी से इसे और भी सुंदर बना लेंगे। आपकी ग्लू की बॉन्डिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए ताकि ये एकदम मजबूत बने। आप इसमें फेविकोल, फैब्रिक ग्लू, ग्लूगन या जो भी आपको सुटेबल लगे उसे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।